call on you and I'm from South. पर गिर रहा है पता है इसके अंदर से मतलब मजा आ रहा है एकदम देख के पूरा बस का बना हुआ है अंदर तक वही दिल तो बच्चा है ना जी वाला चल रहा है वहां का जो आइस रिंग है पूरे यूरोप में बहुत वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि निरूपा और मैं हूं निधि आपके साथ और मैं फिर से आ गई हूं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं आपको क्या दिख रहा है आपको पूरा बर्फ ही बर्फ दिख रहा होगा ना तो आप सोच रहे होंगे वियना में स्नोफॉल हो रहा है अच्छा खासा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे आज वेदर बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा सनी डे है। हाँ ठंड है पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बट जो पीछे आपको दिख रहा है ना ये जो आइस दिख रहा है रिंग दिख रही है पूरी जहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं लोग ये पूरा आइस स्केटिंग के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल रिंग बनाई गई है वियना के राथहाउस प्लाट में। राथहाउस प्लाट जो दिख रहा है आपको पीछे ये बिल्डिंग जो दिख रही है ये यहाँ का सिटी हॉल है जैसे हर सिटी में होता है तो ये सिटी के सेंटर में है और यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में है ना आर्टिफिशियल ऐसे आइस का रिंग बनाया गया है ताकि लोग आके स्केटिंग करें क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वीडियो में कि यहाँ पर ऑस्ट्रियन लोगों में ये विंटर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्की करना और ये आइस स्केटिंग करना। तो यहाँ पे जगह जगह कई सारी जगह पे बनाया जाता है पर ये वाला जो है ना राथहाउस प्लाट वाला ये काफ़ी फेमस है और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ और अभी बस थोड़ी देर में रात होने वाली है मैं रात का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर रात में कैसा होता है। ये सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक चलता है और यहाँ पे रात में ना बहुत अच्छा लगता है देखने मतलब नज़ारे ना पूरा देखते ही बनता है यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लगता है। अभी ना यहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डेली बहुत केसेस आ रहे हैं फिर भी मुझे यहाँ पर आने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि कोई कोरोना नहीं है। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं आइस स्केटिंग को लेके आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो हमारे कैमरा मैन यहाँ पे अंदर जाके ना फोटोग्राफी कर रहे हैं मतलब वो स्केट करते करते यार कैमरा पकड़े हुए और अगर उनका क्या वो गिर गए कहीं तो देखो प्रॉपर वो स्केटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। ये देखो मैडम को बकायदा फ़ोन पकड़ी हुई है भाई और स्केटिंग कर रही मतलब क्या प्रैक्टिस है आप देख रहे हो और जिनको प्रैक्टिस नहीं है ना वो बड़े थम थम गिरते हैं यहाँ पे इनको पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है सबको जितने कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि लाइटें अलग अलग कलर की पूरी लगी हुई हैं ज़्यादातर पिंक कलर लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं जो आइस स्केटिंग के लिए जो पूरा रिंग बनाए हुए हैं आर्टिफिशियल बर्फ का रिंग बना हुआ है उसको ना पूरा एकदम कलरफुल लाइट से ज़्यादातर पिंक कलर से ये लोग पूरा डेकोरेट कर देते हैं समझो तो ना काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ पर आइस स्केटिंग के लिए और काफ़ी हैपनिंग सा माहौल हो जाता है काफ़ी अच्छा फील होता है जब भी आप यहाँ पे आओगे तो और स्केटिंग करोगे तो। साथ ही यहाँ पर अंदर में रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप जाके कुछ खा सकते हैं स्केटिंग करिए थोड़ा फैमिली को पूरे लेके आइए या मतलब आप अपनी पूरी फैमिली को बच्चों को लेके आ सकते हैं यहाँ पर स्केटिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप रेस्टोरेंट में जाइए खाइए पिए घूमिए। और ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफर भी पूरे आए हुए हैं अच्छे से फोटोग्राफी करने के लिए मेरी तरह मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं देख लो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना मुझे देख के मतलब मज़ा आ रहा है एकदम देख के। अगर आपको स्केटिंग नहीं भी करना है तो भी आप जाके यहाँ पे खड़े होके थोड़ी देर देखिए टाइम पास करिए बहुत अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा यहाँ पे अगर आओगे तो। देखो लाइट के कलर कैसे चेंज होते जा रहा है मतलब नेक्स्ट लुक जब बोलते हैं ना तो कई लोग गिर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो मज़ा आता है देखने में। और लेकिन मैं अंदर जाने वाली हूँ अभी और साथ ही अभी मैं रेस्टोरेंट भी जाने वाली हूँ यहाँ के। और ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर चेक करेंगे अभी मेरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उसके बाद जाने देंगे। तो चलो मैं अंदर चलती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसा है। वेटिंग फॉर माई नंबर और मैं अंदर आ चुकी हूँ देखिए आप अंदर से व्यू कैसा है इसका। यहाँ पर अभी स्केट्स के लिए पूरा अंदर
रेंट के लिए भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर आप जाके इंफॉर्मेशन पॉइंट भी है और वहाँ पर आप अपना टिकट लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम रखा गया है, इधर भी रेस्टोरेंट्स हैं। जहाँ से मैं एंट्री की थी वहाँ दूर जो दिख रहा है वहाँ से वो पूरी दूर तक होता हुआ देखो यहाँ तक के यहाँ इसका पॉइंट है रिंगा आइसक्रीम का, तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। अगर आपको स्केटिंग करना है तो आपको बहुत बड़ा जगह मिलेगा स्केटिंग करने के लिए। और आप यहाँ से देखिए यहाँ से ऊपर जाने का जगह है, यहाँ से पूरा ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है वहाँ जाने का जगह है। What is your name? My name is Kaon Yu and I'm from South Korea because I am in here in Vienna because of the exchange student program. But this is very interesting. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. I want to know about your tunnel. Please yeah, tell me. Yeah, sure, sure. तो वो जो मिली थी ना अभी मुझे जो अपना नाम अभी बता रही थी वो मुझे वीडियो बनाते देखी और खुद से आके हाय हेलो किया और खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मेरा चैनल का नाम भी पूछा उसने और तुरंत मेरे सामने खोला और सब्सक्राइब भी कर दिया मेरे चैनल को। तो मैं बोली वाह दैट्स टू ग्रेट। और फिर मैंने उसको बोला कि मैं ये जो वीडियो है यूट्यूब पे पोस्ट करने वाली हूँ तुम ज़रूर वॉच करना करके प्लीज़ डू वॉच करके। तो बोली यार श्योर करके और इतनी खुश हो गई मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर भी क्रेजी लोग हैं मतलब। Now I have to go for something eat. और ये यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, बीच बीच में क्लीनिंग करते रहते हैं ये लोग सबको हटा के। और ये है मेरा हैमर फोन्स जो मैंने अभी ऑर्डर किया है। बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा हुआ है, बहुत आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ समझ नहीं आएगी। अब हम आगे चल के देखते हैं कि कैसा है यहाँ पर। ये जैसे रिंग ये पूरा बर्फ का बना हुआ है अंदर तक के पूरा। ये देखो जैसे मैंने कहा था ना बेबीज को मम्मी सिखा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी बड़ा है जो यहाँ का आइस रिंग है, बहुत बड़ा है, काफ़ी सेक्शन में डिवाइड है और काफ़ी दूर तक के है और फ्लोर वाइज भी है। बच्चों वाले में देखो बड़े लोग भी बैठ के घूम रहे हैं, वो देखो ज़रा वही दिल तो बच्चा है ना जी वाला चल रहा है यहाँ पे भी। अब मतलब लोग एकदम फन के मूड में आ गए हैं यहाँ पर आने के बाद। ये देखो सी सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं बच्चों के में। वैसे तो ये काफी बड़ा है जो ये आइस रिंग है बट आपको पता है कि पूरे यूरोप में सबसे बड़ा आइस रिंग स्केटिंग के लिए अगर कहीं है तो बुडापेस्ट हंगरी में है। वहाँ का जो आइस रिंग है पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ का भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा डेकोरेशन है ना यहाँ पे, आधा चांद निकला हुआ है और सी मुझे वीडियो बनाते देख के ना लोग मुझे हाय कर रहे हैं बार बार। इस बच्चे को देखो अभी थोड़ी देर में ना 10 बजने वाला है लेकिन लोग अभी लोगों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि 10 बजने वाला है, गिर गया था वो
वो जैसे जा रहा है ना वो नया नया लग रहा है मुझे यार स्केटिंग के लिए, वो बार बार गिर रहा है पता है स्केट करते हुए। ये डर रही है मैडम किसी को डर रही है वो, और उनके जो हस्बैंड है या फ्रेंड है जो भी है वो स्केट्स नहीं पहने हुए हैं और उनको करवा रहे हैं स्केटिंग। वो गिर गई यार फाइनली करते करते, तो अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस होंगे ना तो गिरने का बहुत चांस है यहाँ पर, मतलब अच्छे से आप नीचे गिर सकते हो अगर थोड़े से भी अनबैलेंस हुए तो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये ना प्रैक्टिस के लिए ये वाला सेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्राई करें पहले यहाँ पे आके, और जब एकदम अच्छे से मन जाएंगे अच्छे से सीख जाएंगे आप स्केटिंग करना तब फिर बड़े वाले रिंग में जाइए। तो ये एक छोटा सा स्मॉल रिंग है यहाँ पर, तो ये बच्चों के लिए है और जो लर्न कर रहे हैं स्केटिंग करना उनके लिए है। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहे फॉर अमेजिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।